नमस्कार दोस्तों, देश के अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो है औद्योगिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व में जो है दो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं जो कि औद्योगिक नीति से संबंधित है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग औद्योगिक वित्त के संदर्भ में जो है चर्चा करेंगे कि औद्योगिक वित्त किसे कहा जाता है, इसके क्या प्रकार हैं, इसके क्या स्रोत हैं और कहाँ कहाँ से जो है किन किन संस्थाओं के द्वारा जो है औद्योगिक वित्त प्राप्त होता है। बेसिकली और मूलतः एक देखा जाए तो उद्योग की स्थापना, उसमें उत्पादन का कार्य प्रारंभ करना और उससे संबंधित अन्य सहायक गतिविधियों के लिए जिस बजट की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, वह औद्योगिक वित्त कहलाता है। अब औद्योगिक वित्त के कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ तो उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है और कुछ जो है दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे कुछ मशीनरी है जिसको हम अगर खरीदते हैं परचेज करने के बाद काफी लंबे समय तक चलती है तो उसके लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर जो है जो पूंजी इसमें इन्वेस्ट होती है वो दो प्रकार से जो है उसको बताई गई है। एक तो जो है कार्यशील पूंजी और दूसरा है जो है दीर्घकालीन, या जो है इसे ये कह सकते हैं अस्थाई पूंजी, या जो है इसे अस्थाई पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी जो है ये अल्पकालीन होती है, ये दिन प्रतिदिन की जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मजदूरी और कच्चे माल, मजदूरी यानी कि जो है कोई भी उद्योग होगा तो वहां पे श्रमिक काम कर रहे होंगे या डेली बेस पे जो भी काम कर रहे होंगे तो इनको मजदूरी दिया जाता है, और साथ में जो है कच्चे माल यानी कि जो है मजदूरी और जो है कच्चे माल, मजदूरी एवं जो है कच्चे माल के लिए है। और दूसरी तरफ जो है दीर्घकालीन पूंजी, इसके अंतर्गत जो है भवन है, भूमि है, मशीन है या अन्य कोई प्लांट है, इससे संबंधित जो भी औद्योगिक वित्त की आवश्यकता होती है वो जो है दीर्घकालीन जो है पूंजी के अंतर्गत जो है आता है। तो इस तरीके से पूंजी भी जो है कहीं ना कहीं दो प्रकार से इसमें बताई गई है। एक कार्यशील पूंजी है, अल्पकालीन जो है स्वरूप से संबंधित होती है, दूसरा जो है वह अस्थाई जो है पूंजी होती है जो दीर्घकालीन स्वरूप में जो है संबंधित होती है, क्योंकि भूमि, भवन, मशीन, प्लांट ये डेली खर्च नहीं होते हैं, इनमें ह्रास होता है, इनके मूल्य में धीरे धीरे कमी, कुछ फील्ड में भूमि को छोड़ दिया जाए, भवन के मूल्य में, मशीन के मूल्य में, प्लांट ये जो है इन तीनों के मूल्य में जो है ह्रास होता है, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन निकालने का अपना अलग अलग फार्मूला होता है, खैर आगे बताया जाएगा उसके बारे में। तो कुल मिलाकर के औद्योगिक जो वित्त है उस औद्योगिक वित्त की आवश्यकता को पूरी पूर्ति करने के लिए जो बजट की आवश्यकता होती है, जो पूंजी की आवश्यकता होती है, वो दो प्रकारों में बटी हुई होती है। कार्यशील पूंजी, मजदूरी और कच्चे माल जिनका कि डेली या अल्पकाल में जो है खर्च हो जाता है, और दूसरा दीर्घकालीन जिसको अस्थाई पूंजी कहा जाता है, इसके अंतर्गत भूमि, भवन, मशीन, प्लांट इत्यादि को लाया जाता है। तो इन दो प्रकार की जो है पूंजी के आधार पर ही जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऋण भी जो है, ये तो हम लोगों ने पूंजी के प्रकार देखा, जैसे इसमें हम लोगों ने औद्योगिक वित्त इसका जो है अर्थ हो गया पूंजी के जो है प्रकार, पूंजी प्रकार हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखना होगा, ये जो पूंजी प्रकार है वो हम औद्योगिक वित्त के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो है दीर्घकालीन या अस्थाई जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है एक कार्यशील जो है कहते हैं, और तीसरी चीज है यहाँ पे ऋण के प्रकार, तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं और ऋण प्रकार। ऋण प्रकार के अंतर्गत जो है अल्पकालीन तीन प्रकार के जो है हैं, अल्पकालीन ऋण, मिड टर्म या मध्यम
मध्यमकालीन और तीसरा है दीर्घकालीन। एक्चुअली यह जो है औद्योगिक वित्त के संदर्भ में एक समझ पैदा करता है, एक कॉन्सेप्ट अवधारणा बनाता है जो कमोबेश जो है आपको उत्तर लिखने में जो है आपका मदद करता है। तो अल्पकालीन जो है यह मतलब कम समय के लिए होता है, सामान्यतः जो है इसमें एक वर्ष तक के लिए जो है ऋण जो आते हैं वो अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और इसमें वही जो है कच्चे माल, जैसे वहां पे कार्यशील जो था वही इससे जो है संबंधित हो जाता है, कि इसमें मजदूरी और कच्चे माल या इस तरीके के खर्चे जो दिन प्रतिदिन के जो है उद्योगों में सम्मिलित होते हैं वह अल्पकालीन आते हैं। मध्यमकालीन जो है यह जो है एक से लेकर के जो है पांच वर्ष। अब इसमें जो है ऐसे खर्चे सम्मिलित होते हैं या ऐसी आवश्यकताएं वित्त की होती हैं, पूंजी की होती हैं, जो सामान्यतः कुछ समय तक के लिए चलती हैं, परमानेंट बहुत दीर्घ काल के लिए भी नहीं होती हैं और दिन प्रतिदिन के खर्चे भी नहीं के बीच की स्थिति में होते हैं। तो एक से पांच वर्ष की अवधि को इसमें सम्मिलित किया गया है और यह जो है मध्यमकालीन जो है ऋण के रूप में, मध्यकालीन जो है ऋण के रूप में जो है जाना जाता है और मध्यमकालीन ऋण के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है मशीन है कुछ जो है प्लांट इत्यादि को जो सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से जो है दीर्घकालीन है, इसमें जो है पांच वर्ष से जो है ज्यादा समय के लिए लिए गए ऋण आते हैं। इसमें कोई व्यक्ति भूमि अगर खरीद करता है, कोई भवन का निर्माण करता है या पूरे उद्योग ढांचे की जिसमें बात की जाती है, जो कि स्थापना के बाद जो है काफी लंबे समय तक 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष तक चलते हैं। तो इस तरीके की जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पूंजी और ऋण की आवश्यकता होती है वो दीर्घकालीन ऋण कहलाती है। तो ये जो है इस तरीके की जो जरूरतें उद्योगों के पास होती हैं और इन उद्योगों को जो है स्थापित करने के लिए, इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो है विभिन्न स्रोतों से जो है इन उद्योगों को जो है ऋण प्राप्त होता है। तो अब हम लोग जो है स्रोत पर चर्चा करते हैं, ऋण के स्रोत। ऋण के स्रोत, अब ऋण के स्रोत में दो है, एक जो है आंतरिक आंतरिक स्रोत और जो है एक बाह्य स्रोत। ये दो है। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत जो है आपके शेयर आ जाते हैं, डिबेंचर आते हैं, अभी हम इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और डिविडेंट का जो है पुनर्निवेश, डिविडेंट का पुनर्निवेश, शेयर डिबेंचर और डिविडेंट का पुनर्निवेश कहलाता है। और बाह्य में जो है दो है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, पुनः इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। शेयर का तात्पर्य होता है कंपनी या किसी उद्योग या कंपनी के अंश को बेचना, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो किसी एक व्यक्ति का उद्योग नहीं होता, लेकिन उसमें कई ऐसे टर्म्स होते हैं कि किसी के पास उसका 74% जो है शेयर होता है एक व्यक्ति के पास, तो सामान्यतः कहा जाता है कि उनकी ही कंपनी है, उनके नाम पे कंपनी, लेकिन उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो काफी होते हैं। और ये भी है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस जो है प्रतिशत में, जिस अनुपात में उनका शेयर होता है उसी अनुपात में उसमें लाभांश भी उनको मिलता है, कि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस की कोई कंपनी है, उसके बहुत ज्यादा शेयर बढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी शेयर धारकों को लाभ मिलता है। हाँ, जिसके पास शेयर ज्यादा होगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जिसको कम होगा, जिसका अंश उसको कम लाभ मिलेगा। तो ये शेयर होता है यानी कि उसके अंश को बेचना कहलाता है। और जो कंपनी या निवेशक, मतलब जिस उद्योग या कंपनी की बात कर की जा रही है जो है शेयर की, उसके बाहर की कोई कंपनी भी उसमें अपना शेयर खरीद सकती है या कोई व्यक्तिगत निवेशक भी खरीद सकता है। और जितने जो शेयर खरीदता है जितने अनुपात में, उसी अनुपात में वो उसका शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर हो जाता है, और जितना लाभ और हानि उसको मिलता है उसी अनुपात, जितना उसका अनुपात शेयर होता है उसी अनुपात में जो लाभ होता है या हानि होता है उसी में उसको फायदा नुकसान भी होता है। तो कहने का मतलब शेयर धारक के संदर्भ में यह कंपनी के जो है शेयर धारक
की स्थिति में या उसका भाग हो जाता है, उसके मालिक के रूप में जो भी इसको आप कह सकते हैं। यद्यप उसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं जिसको आगे कुछ उसके परिभाषाओं में तकनीकी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन बस इतना ही मान के चलिए कि कोई कंपनी अगर 100 यूनिट पर काम कर रही है, किसी व्यक्ति के पास जो है 75 यूनिट है, किसी व्यक्ति के पास 10 यूनिट है, किसी व्यक्ति के पास 8 यूनिट है, और इसी तरीके से किसी व्यक्ति के पास जो है 7 यूनिट है, तो ये 100 हो गया। अब इसमें जितना फायदा होगा, अगर मान लीजिए 100 रुपए का फायदा हुआ इसको, तो इसको 75 मिल जाएगा, इसको 10 मिल जाएगा, इसको जो है 8 मिल जाएगा, इसको 7 मिल जाएगा, और टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 100। और अगर नुकसान हुआ तो इसी अनुपात में बट जाएगा। तो जैसे किसी एक व्यक्ति की कोई कंपनी होती है तो फायदा मिलता तो पूरा का पूरा उसी फायदा होता है, यहां जब शेयर होता है तो शेयर के अनुपात में फायदा हो जाता है, तो कुल मिला करके ये जो है सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। यह शेयर होता डिबेंचर, इसे हिंदी में ऋण पत्र भी कहा जाता है, ये एक निश्चित ब्याज दर पर जो है, निश्चित ब्याज दर पर जो है लिया गया लिया जाता है। इसका कंपनी के लाभ और हानि से कोई सरोकार नहीं होता है, चाहे कंपनी लाभ में हो या हानि में हो, जिस दर पर ये ब्याज ऋण देते हैं उसी दर पर इनको जो है ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो ये एक निश्चित दर पर होता है, इससे प्रभावित नहीं होता। डिविडेंड यानी कि जो लाभ होता है कंपनी का, उसी लाभ को जो है पुनः निवेश कर दिया जाए और वर्तमान शेयर धारकों के जो है शेयर में वृद्धि कर दिया जाए, तो वो डिविडेंड होता है। ये सभी माध्यम जो होते हैं वो आंतरिक जो है ऋण के स्रोत के जो है माध्यम होते हैं, शेयर डिबेंचर एवं डिविडेंट यानी कि लाभांश का पुनर्निवेश यानी कि पुनः उसी कंपनी में निवेश कर दिया जाए, तो ये जो है आंतरिक माध्यम होते हैं। बाह्य माध्यम में दो प्रकार की चीजें हैं, एक जो है आपका वाणिज्यिक बैंक है, एक वाणिज्यिक बैंक इसमें आता है, और दूसरा इसमें जो है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ होता है, एक वाणिज्यिक बैंक है और दूसरा गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ होते हैं। अब वाणिज्यिक बैंक को हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आंतरिक माध्यम, आंतरिक जो है स्रोत से जो किसी भी उद्योग को बहुत कम जो है प्राप्ति हो पाती है, ज्यादा से ज्यादा जो है हमें जो किसी भी औद्योगिक किसी भी उद्योग के लिए जो पूंजी के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है वो बाह्य स्रोत से ही जो है प्राप्त होती है, और बाह्य स्रोत के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक लगभग 50% जो है ऋण की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके माध्यम से जो है अल्पकालीन ऋण सामान्यतः मिलता है, जब मध्यमकालीन भी ऋण इसमें मिलने की संभावना रहती है, लेकिन सामान्यतः ये अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण जो है उपलब्ध जो है करवाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत जो है आपके RBI से जो मान्यता प्राप्त सभी बैंक होते हैं, और वाणिज्यिक बैंकों में निजी बैंक भी आते हैं और सार्वजनिक सरकारी बैंक भी आते हैं। अब ICICI बैंक हो गया, ये सारे जो है निजी क्षेत्र के ये बैंक हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, ये सारे बैंक आपके सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के बैंक है जिन्हें RBI से मान्यता मिल जाता है। अभी इसी के क्षेत्र में जो है 11,000 करोड़ रुपए वाणिज्यिक बैंक जो कि वाणिज्यिक बैंक के रूप में है पंजाब नेशनल बैंक, उससे 11,000 करोड़ रुपए की जो है घोटाले की बात आई थी, और इसमें विभिन्न कई लोग जो है महल चौकसी और कौन कौन से लोग जो है बाहर भाग गए। तो ये इसी प्रकार की जो है श्रेणी का जो है वो ऋण था वाणिज्यिक बैंकों से, जो बाह्य स्रोत के अंतर्गत लिया जाने वाला ऋण था, और इसके बारे में जो है अब उसकी जांच चल रही है और उसमें किस स्तर की गड़बड़ी थी ये आने वाले समय में रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन वो कुल मिलाकर के इसी तरीके से बैंक था। या विजय माल्या के लिए जो है 5,000 करोड़ या 8,000 करोड़ के जो भी ऋण थे वो इसी तरीके से धोखाधड़ी के अंतर्गत जो लिए गए हैं। अब उसमें किस स्तर पर जो खामियां और गड़बड़ी रही हैं ये तो आने वाले समय में जो रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन ये इसी श्रेणी से जो वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी से लिया गया ऋण जो था, और अल्पकालीन और मध्यमकालीन जो है ऋण यहाँ से सामान्यतः लिए जाते हैं। और दूसरा जो है बाह्य स्रोत के अंतर्गत जो है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, यानी गैर बैंकिंग जो है संस्थाओं के द्वारा जब औद्योगिक वित्त के या ऋण के क्षेत्र में जो काम किए जाते हैं वो गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। ये गैर बैंकिंग यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि बैंक की भी एक परिभाषा ये होती है कि वो जनता से मांग जमा स्वीकार करता है
और लोगों को ऋण देता है, लेकिन इसमें इस तरीके की मांग जमा इत्यादि जो है स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ये विकास वित्तीय संस्थान के नाम से जो है जाने जाते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ इनको कह दिया जाता है, वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो है ये लोग। अब इसमें जो है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के अंतर्गत जो है विकास संस्थान, इसमें भी दो प्रकार से है, विकास वित्त संस्थान और दूसरा है जो है निवेश निवेश संस्थान। विकास वित्त संस्थान और निवेश संस्थान गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत ये दोनों प्रकार की संस्थाएं। अब विकास वित्त संस्थान के अंतर्गत जो है आपके औद्योगिक वित्त निगम IFC या कहीं कहीं पर IFCI भी लिखा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन फाइनेंशियल कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में ही जो कर दिया गया था, और इसके माध्यम से उद्योग क्षेत्रों को जो है वो उद्योग की स्थापना विकास इत्यादि के लिए ऋण दिया जाता है। ये बैंक के रूप में काम नहीं करता, जनता से जो है मांग जमा नहीं लेता है, इसलिए ये जो है विकास वित्त संस्थान के अंतर्गत आता है। और निवेश संस्थाओं को भी हम चर्चा करेंगे, तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से एक ICICI है, ICICI ये एक्चुअली एक बैंक भी जो है ICICI के नाम से है, वो अलग है, यहाँ पर ये दूसरी चीज है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया। एक्चुअली ये तीन एक और संस्था है, IDBI, इसकी स्थापना 1964, ये महत्वपूर्ण जो है स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए संस्थान से जो विकास संस्थान के रूप में आए थे, क्योंकि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी औद्योगिक विकास पर काफी चर्चा और बल भी दिया गया था, तो उन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए जो है ये औद्योगिक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और ये ICICI यानी कि औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। ये तो तीन मूल संस्थाएं जिसके जो है स्थापना को भी याद रखना जो है प्रासंगिक होगा, आवश्यक होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये संस्थाएं जो है आपके विकास वित्त संस्थान के रूप में जो है काम करती है। निवेश संस्थाओं के रूप में आपका जो है LIC है, GIC है, इसी तरीके से UTI है, हुडको। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में जो है की गई थी, ये GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, UTI की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी, हुडको की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जो है निवेश संस्थान के रूप में काम करते हैं। LIC वगैरह के बारे में आपको जानकारी है, ये जो है भारत सरकार के जो है अंतर्गत जो है स्वामित्व की कंपनी 1956 ईस्वी में पहली बार स्थापित की थी, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से, और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से, हुडको के नाम से स्थापित किया गया, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आवास एवं शहरी विकास जो है कॉर्पोरेशन यानी कि निगम लिमिटेड के नाम से इसको जो है स्थापित किया गया था। तो ये दोनों रूप में जो है संस्थाएं काम कर रही हैं। तो बेसिकली अब इस लेक्चर के बाद से जो है थोड़ा मोड़ा विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियों में जो संलिप्त संस्थाएं हैं उसके स्वरूप में कुछ जानकारी मिलती है कि बैंक से कुछ अंतर होते हैं आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, जिसमें विकास वित्त संस्थान आते हैं जो मूलतः विकास से के लिए जो समर्पित होते हैं, निवेश संस्थान होते हैं निवेश के लिए, ये जो चीजें आ रही है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनता की धनराशि को ये प्राप्त करती है, लेकिन वो मांग जमाएं नहीं होती हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है पैसा जो है लिया जाता है और ये जो है इस धनराशि को जो है निवेश के रूप में निवेश का काम करती हैं। इधर IFCI और ICICI, IDBI ये विकास वित्त संस्थान के रूप में जो काम करती हैं। आपका जो है आंतरिक क्षेत्र में जो शेयर डिवेंचर और डिविडेंट का हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। तो
इस तरीके से औद्योगिक वित्त की जो परिभाषा, पूंजी के जो प्रकार, ऋण के प्रकार, उसके स्रोत के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया, तो ये कुछ ढांचा जो है बन करके आता है औद्योगिक वित्त के जो संदर्भ में। औद्योगिक घरानों को बहुत बड़े बड़े जो है धनराशियों या बड़े बड़े ऋण की, लोन की जो है आवश्यकता होती है, और इन्हीं के लिए जो है ये समर्पित व्यवस्था काम करती है, जिससे किसी देश में उद्योग की स्थापना, उत्पादन और जो परिवहन, सारी चीज़ें उससे संबंधित जो है काम करते हैं, जिस पर ओवरहेड्स के रूप में जो है खर्चा आता है। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है औद्योगिक वित्त के बारे में चर्चा की, इससे आपको एक जानकारी मिली होगी, आप इसको जो है पुनः एक बार देखिए, जिससे एक क्लियर जानकारी आपको हो सके, एक कॉन्सेप्ट बन सके, और कोई भी लेक्चर जो है आप एक बार पढ़ने के बाद उसके बारे में जरूर सोचिए, अगर कन्फ्यूजन होता है तो पुनः उसको जो है जरूर देखिए, जिससे वो उसके टॉपिक के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके जो है प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप अपने अन्य विषयों के साथ साथ इस विषय का भी अध्ययन करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आप दावेदारी के साथ जो है प्रबल दावेदारी के साथ परीक्षा में उतर सकें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः लेक्चर में इसी जो है सब्जेक्ट के अगले भाग और पार्ट को लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।